दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको गुम सिलाई से पैंट की बैक पॉकेट बनाना सिखाएंगे, इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यही पॉकेट मैंने बनाया है इस वीडियो में और इसी की स्टिचिंग करके दिखाई है। गुम सिलाई का मतलब जैसे कि सिलाई बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तो इसमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ऊपर से, तो इसी को गुम सिलाई बोलते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे वाली साइड उल्टी है, ठीक है ना, ये उल्टी साइड हो गई और ये सीधी साइड है, ये भी हमने पेस्टिंग की है। ये हम तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, जो साइड में पट्टी चिपकाते हैं, जो काज वाली पट्टी होती है, हम कुर्ते में पेपर पट्टी को डालते हैं, पेपर फॉर्म जो होती है, ये वो पट्टी है। तो ये करीब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी या 1.25 इंच भी आती है, तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। आपको जितना भी पॉकेट रखना है, जैसे कि आपको 5 इंच पॉकेट रखना है तो आपको 7 इंच चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 7 इंच नाप कर, जैसे अगर 5 इंच पॉकेट है तो आप उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में से 2 टुकड़े, इसको ये देखिए, इसके 2 भाग कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने वही 2 भाग किए हैं, इस पर पेस्टिंग किया है मैंने। कपड़े की चौड़ाई आप करीब 2.5 इंच चौड़ा ये कपड़ा ले लें और ये वाला कपड़ा भी 2.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। 2.25 भी चलेगा, 2.25 भी चला सकते हैं। अब जितना मैंने जो आपको बताया, जितना भी पॉकेट रखना होता है हमें, उससे 2 इंच ज़्यादा ये कपड़ा लेना है। और पॉकेट जब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे तो हमें उल्टी साइड में ही पेस्टिंग करना है। ये उल्टी साइड है कपड़े की और ये सीधी साइड, ठीक है। एक पट्टी को पकड़ेंगे इस तरीके से और इसके हाफ से ही इसका हाफ कट लगाएंगे, ठीक है ना। ये कट लगाने के बाद अब जैसे कि हमें इस पैंट का मुझे पॉकेट 6 इंच रखना है, तो ये मैंने जो हाफ कट लगाया है यहाँ से, तो जितना ही पॉकेट होता है यहाँ से उसका, जैसे हमें 6 इंच पॉकेट रखना है तो 3 इंच इधर, हमने ये देखिए 3 इंच का मार्क लगाया यहाँ पर और 3 इंच का ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच, तो ये टोटल 6 इंच हो गया, ठीक है। तो अब इसमें 1 इंच ये एक्स्ट्रा हो गया और 1 इंच ये एक्स्ट्रा। इसी तरीके से हमें इस पर निशान नहीं उठाना है, वो हम बाद में बताएंगे। तो आपको रखना किस तरीके से, जो नीचे कपड़ा लगाते हैं जिसमें पॉकेट के लिए, वो कपड़ा ले लिया है हमने। तो जितना भी हमें पॉकेट रखना होता है उससे इसको भी हमें 2 इंच ज़्यादा रखना है इसकी चौड़ाई, ठीक है। जितना ही पॉकेट रखेंगे, जैसे कि 5 इंच पॉकेट है तो इस कपड़े की चौड़ाई 7 इंच होना चाहिए। तो मैंने ये कपड़ा 18 इंच लिया है इस कपड़े की लंबाई। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से ये देखिए डबल करेंगे इसको और ये कट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कट लगाने के बाद अब आप एक नाखून की वजह से एक सेंटर क्रीज बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें इस पर अगर आपको सेंटर क्रीज नहीं दिख रही तो आप चौक उस क्रीज के ऊपर चौक से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अभी हमें ये देखिए 6 इंच पॉकेट रखना, तो हमने 6 इंच के मार्क लगाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से पकड़ कर देखना है इस तरीके से कपड़ा, ये देखिए इधर से भी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और इधर से भी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, ये नीचे वाला ये कपड़ा, इसको ये देखिए दोनों बराबर होना चाहिए। और ये जो मार्किंग की है हमने ये वाली, तो ये कपड़ा थोड़ा सा 1 इंच इससे भी ऊपर को होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप रखेंगे। तो पेस्टिंग करते टाइम ये पैंट वाला कपड़ा 1 सूत बाहर निकाल कर रखें, ठीक है, करीब 1 सूत यहाँ से। ये देखिए जो कपड़ा जो है, यहाँ से यहाँ तक हमें करीब 1 पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से रख लेना है, ये देखिए दोस्तों, ये कपड़े किनार इसी मार्क से रहना चाहिए यहाँ से, इस तरीके से। तो अब हम पेस्टिंग के ऊपर सिलाई चलाएंगे 1 पैर की, ठीक है ना, इस तरीके। ये देखिए दोस्तों, एक साइड देख सकते हैं, ये पल्ला दब चुका है इसमें, ये देखिए सिलाई आ चुकी है इस तरीके से। तो यहाँ से बराबर रखेंगे कपड़े को इस तरीके से, और जो हमने अभी जो सिलाई लगाई थी, ठीक है ना, उस सिलाई के बराबर से देखिए चौक से एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो इस पर भी हमें 1 पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है, 1 पैर से कम की ही होना चाहिए और सिलाई बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से बराबर दिखना चाहिए यहाँ से। देखिए जो हमने यहाँ पर जो पहले सिलाई लगाई थी उसके सेंटर से यहाँ भी एक चौक से मार्क लगा लेना है इस तरीके से, यहीं तक सिलाई हमें पक्का करके उतार देना है यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आप चेक करके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अब इधर वाली साइड में। तो अब ये देखिए हम पैंट को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये देखिए, ये भी नीचे देख लें इस तरीके से कपड़ा, ये जो नीचे कपड़ा लगाया वो इधर को ना आता हो, दूसरा कपड़ा नहीं कटना चाहिए, इस तरीके से रखेंगे और एक सेंटर में इस तरीके से कट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखिए हमने कट लगा दिया है इसमें। अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी इससे 1 इंच पीछे रखना है इस कट को, इस तरीके से कटिंग करते हुए जाएंगे
थोड़ी पीछे, ठीक है, करीब पौने इंच पीछे यहाँ से। तो अब क्या करना होगा, मैं गुम सिलाई से जो पॉकेट होता है, इस पॉकेट के ऊपर आपको कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, वो हम पॉकेट बनाना सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, अब हमें ये जो पेस्टिंग किया है कपड़ा, ये नहीं कटना चाहिए, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे। इस तरीके से ये देखिए, हमने इसको पकड़ लिया है, अंगूठे के नीचे दाब लिया है। अब बिल्कुल तिरछा कट लगाएंगे यहाँ से, जहाँ तक हमने ये टाँक सिलाई आ रही नीचे वाली, बिल्कुल तिरछा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये कट लगा दिया हमने, बिल्कुल भी सिलाई नहीं कटना चाहिए, आगे पीछे ना हो बिल्कुल भी। अब उसी तरीके से हमें ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसको दबा लेना है इस तरीके से, कि देखिए मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। अब हमें यहाँ से भी तिरछा कट लगा लेना है इस तरीके से, जो हमने सिलाई लगाई थी। आप चाहें तो ये कट उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं, पैंट को उल्टा करके भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, फिर हमें घुमा लेना है इस तरीके से, ये देखिए हमने लगा दिए यहाँ से, ये एक इंच पौने पीछे रखा है हमने। अब इस तरीके से उसको उठाएंगे, ये देखिए बिल्कुल तिरछा कट लगाएंगे सिलाई तक, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें इस साइड में मोड़ना है इसको, इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें, इस वाले को भी मोड़ देना है इसमें नीचे के लिए, ये देखिए। तो अभी देखिए दोस्तों, कि जो मार्जिन जो है ये इधर नीचे के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखिए, जो नीचे वाली हमने जो लगाई थी पट्टी, नीचे वाली पट्टी को पहले मोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। आप एक बार चेक करके देख लें, पहले चौड़ा पतला ना हो। तो हमें ये देखिए, इतनी चौड़ी पट्टी बननी है हमारी। तो अब हम ये देखिए, इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पैंट का जो कपड़ा है, इससे उसके ऊपर नहीं लगानी है, बोन के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल जड़ में। ये देखिए, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर जड़ में आना चाहिए एंड तक, इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी बिल्कुल एक, यहाँ पर हमें सिलाई उतार लेनी है यहाँ पर आके, ठीक है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये कपड़े को नीचे को मोड़ देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से रखेंगे। अब हमें अभी जो ये वाला जो मार्जिन जो है, ये ऊपर की ओर रखना है, ठीक है। हमें ये वाला जो हमने सिलाई लगाई थी पहले, और हमें इस तरीके से मार्जिन को पकड़ कर, ठीक है, मार्जिन को पकड़ कर, और ये नीचे वाली पेस्टिंग वाला कपड़ा जो है, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, अब हमें यहाँ भी जड़ में सिलाई चलानी है, ठीक है ना। पैंट के कपड़े पर नहीं चलानी है, बोन पर चलानी है, बिल्कुल जड़ में, ठीक है। अब यहाँ से आप मिलाकर इस तरीके से बराबर रखिए, देखिए चौड़ा पतला भी ना हो, बिल्कुल यहाँ से मिलकर रहे, ठीक है। अब हमें जड़ में सिलाई चलानी है इसकी, एक बार यहाँ भी चेक कर लें इस तरीके से। ये देखिए, नीचे से पकड़कर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल मिलाकर रखें, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा ना हो। हमारा पॉकेट के दोनों सिलाई लग चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो कट दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो हमें इस तरीके से पैंट को देखिए, कैंची की नोक रखनी है, ठीक है, यहाँ पर कट के ऊपर, ऊपर से यहाँ से। और ये देखिए, इस कपड़े को उठाना है और इस वाले को उठाना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें इस तरीके से ये देखिए, कैंची की नोक की मदद से कट को इस पार ले आना है, पलट कर, ये देखिए इस तरीके से। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, हमें बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है, जो कट जो है, ये देखिए इस कट के ऊपर बिल्कुल पैंट के कपड़े से मिलाकर। और ये देखिए, ये चीज़ है, ये देखिए, ये भी आपस में मिलकर आना चाहिए, ठीक है। ये भी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल छोटी सिलाई चलाएंगे आप यहाँ पर, और बिल्कुल आगे पीछे करके बिल्कुल पक्का कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर करीब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहने देना। अब ये देखिए, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों, अभी प्रेस लगाएंगे तो और खूबसूरत दिखेगा बिल्कुल ये। तो ये टाँकी बन चुकी है हमारी। अब हमें घुमाकर इस तरीके से दूसरे कट को भी इसी तरीके से पलट लेना है, रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इसकी भी जड़ में सिलाई लगाएंगे वहीं पर, बिल्कुल बराबर से। तो अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कपड़े को ये देखिए, जब यहाँ से पकड़ेंगे तो ये यहाँ से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप खींच कर बिल्कुल बराबर रखें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, आगे पीछे ना हो कपड़ा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम प्रेस लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे प्रेस लगा। अब क्या करना है, आपको उल्टी साइड में जाना है, ये देखिए इस तरीके, ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए, इसको हम इस पर सिलाई लगाएंगे पक्का करके यहाँ से, इस तरीके से।
इसको भी कट कर देंगे, इस कपड़े को अलग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर से जो कपड़ा लगा रहे हैं पॉकेट के लिए, ये इसी पैंट का ही है सेम। अगर पैंट का कपड़ा ना हुआ आपके पास, तो जब आप इस तरीके से घुमा कर रखेंगे, तो अगर दूसरा कपड़ा होगा तो नीचे से दिखाई देता है। तो आप जितनी भी आपको, तो ये देखिए गहराई रखनी है पॉकेट की, तो यहाँ से नाप कर आप यहाँ से चौक से देखिए इस तरीके से नाप कर जितना भी आएगा ना पॉकेट यहाँ पर तैयार, उसके बाद यहाँ पर चौक से निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर दूसरे पैंट का कपड़ा लगा दें करीब 2-2.5 चौड़ा यहाँ पर इतने बीच में, ठीक है। पर ये पैंट का कपड़ा है तो इसमें हमें कपड़ा दूसरा नहीं लगाना है, इस तरीके से रखेंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखें इस तरीके से रखने के बाद हमें, तो ये देखिए दोस्तों ये लुप्पी बनाई है हमने, तो ये करीब 2 सूत से कुछ कम की चौड़ी, 2 सूत से कुछ कम चौड़ाई होती है इसकी, जैसे कि नाड़ा बनाते हैं उस तरीके से बना लेना है। और ये 3 इंच लंबाई थी इसकी सिंगल में, और डबल में 1.5 इंच की लंबाई है, ठीक है। तो ये हमने टांकी पहले ही बांध ली, आप चाहें तो बिना टांकी बांधे भी इसमें फंसा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ लगाएंगे दोस्तों। तो अब आपको ये पॉकेट के बीच सेंटर में लगानी है, आप इसका ख्याल रखें। तो जैसे कि आपको 6 इंच पॉकेट है, तो आप इसको 3 इंच पर रखिए, देखिए इस तरीके से। तो ये जो लुप्पी का बीच सेंटर है, वो हमें उस पॉकेट के बिल्कुल हाफ सेंटर होता है वहाँ रखना है। अब ये देखिए दोस्तों, तो काम है करीब 1.25 इंच लंबी दिखानी है, यहाँ से यहाँ तक आप 1.25 इंच लंबी दिखाएं नीचे के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिलाई लगाते हुए लानी है, टांकी बांधी है हमने, टांकी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमें, टांकी की जड़ में। ये देखिए यहाँ पर पैंट के कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है, बोन जो होती है पेस्टिंग वाली, इसके ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जड़ में सिलाई लगाते हुए लाना है, और यहाँ लाकर पक्का करके सिलाई उतार देनी है हमें, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इस पर प्रेस लगाएंगे, बिल्कुल गर्म प्रेस होना चाहिए, भारी वाली प्रेस हो, जो यहाँ पर पानी लगाकर प्रेस लगाएं आप, ठीक है। तो इस तरीके से साफ आएगा, मैं आपको प्रेस लगाकर भी दिखा देता हूँ। ये जो कपड़ा ऊपर जो बच रहा था, ये हमने कट लगा दिए इस तरीके से यहाँ से नाप कर। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, करीब 1.25 इंच इस तरीके से ऊपर। ये देखिए यहाँ से भी कट लगा दिया, यहाँ से भी कट लगा दिया। हमें क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मोड़ेंगे हम, ये देखिए यहाँ से मोड़ते हुए लाएंगे, और फिर इस कपड़े को नीचे वाले को और ऊपर वाले को मोड़ते हुए चले जाएंगे किनार की सिलाई लगाते हुए यहाँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, इसको हमें ऊली की मदद से इस तरीके से अंदर मोड़ देना है करीब 1 पैर का, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए हमने इसको मोड़ दिया है, और इसको हमें इस तरीके से यहाँ से हम बिल्कुल बाहर की सिलाई लगाकर इस नोक को सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं दोस्तों, ये उल्टी साइड हो गई, अब ये हम सीधी साइड से दिखाएंगे आपको। अब हम इसे प्रेस लगाकर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने पानी लगाकर प्रेस लगाई है इस पर, और मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।